हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये RNT जो मेडिकल कॉलेज है उदयपुर, उसकी ये वैकेंसी आई हुई थी UTP के ऊपर। तो उसमें जो पैरामेडिकल के पद थे इसमें, इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं बताऊँगा आपको। इसके अंदर इनको इन्होंने फाइनल लिस्ट निकाली थी, उसके बाद में इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए डिले किया था, ज्वाइनिंग डेट के लिए इन्होंने एक्सटेंड किया है। तो क्या लिखा हुआ है नोटिस के अंदर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये RNT की होने वाली है। प्रिंसिपल्स ऑफ RNT जो है मैन रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर देख सकते हैं, इस कार्यकाल के विज्ञप्ति क्रमांक RNT नियुक्ति नर्सिंग, अभी नर्सिंग की आने वाली थी बट आई नहीं है अभी तक। नर्सिंग की इन्होंने अभी तक लिस्ट निकाली नहीं है। जो इनकी डेट थी वो 30/8/2022 थी। इसके द्वारा इन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होने वाला है, तो इसके अंदर रेडियोग्राफर होने वाला है, एक्सरे टेक्नीशियन एंड लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, डायलिसिस एंड नेत्र सहायक एंड फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को UTP पर भरते हुए अंतिम चयन चुनी। इसकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट थी वो निकाली गई थी। उसके बाद में चयन अभ्यर्थियों को उपस्थित हेतु 10 दिन का समय उन्होंने दिया गया था, जिसके अनुसार जिसके क्रम में 10 दिन के पश्चात उन्होंने सहायक रेडियोग्राफर और ECG टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के अभी तक उपलब्धि नहीं होने वाले आवेदन चयन सूची अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए उपरोक्त पदों को उपस्थित हेतु 10 दिन की शिथिलता प्रदान की जाती है। यानी 10 दिन का और एक्सटेंड जो ज्वाइनिंग के अंदर किया गया है। जो भी साथी जिन्होंने ज्वाइन वेरिफिकेशन नहीं कराया वहाँ पे, तो वो साथी जाके करवा सकते हैं, इनको एक बार और मौका दिया वेरिफिकेशन करवाने का। तो ये देख सकते हैं RNT की होने वाली है, RNT मेडिकल कॉलेज की। तो आई होप इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।